ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2021। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परमपिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक है निराकार। वह परमपिता है, यह समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है, सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको, पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी ले लेते हैं, तो प्लेन बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं,
परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं, आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सत्युग में होते नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाशकाले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए हैं, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है, तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी क्यामत का समय अर्थात मौत का समय, तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है, यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होते हैं, हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है, बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं, बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं, मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सत्युग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाशकाले प्रीत बुद्धि है इसलिए विजयी हैं, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, यह विकारी संबंध इसको बंधन कहा जाता है,
तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध, इसमें आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है, हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हरेक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे यह तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे वाला सुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम चीची चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो, यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं, तुम जीते जी मरे हो फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सत्युग में पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है फिर देवता क्षत्रिय फिर ब्राह्मण बनेंगे, इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, कोई राजाई घराने में कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं,
तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो, तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं, सत्युग में हम किसको भी पूछते नहीं, ना हमको कोई पूछते हैं, वहाँ हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं, द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वह पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है, शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है, शराब सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। नंबर 2, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, पुराना मकान टूटने वाला है इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो, यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पा लेंगे, फिर सब कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।